आज हम लोग ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम 2019 का, जो कि क्लास 9th में डिवीजन के लिए एग्ज़ाम हुआ था, उसका हम लोग क्वेश्चन पेपर मैथ सेक्शन का सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले पीढ़ी में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक क्वेश्चनों को सॉल्व किया। आज इसके अगले भाग जो 19 नंबर से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दिया हुआ है एक संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक है, अगर दोनों का योग 48 है तो संख्या बताओ। यानी वन नंबर एक्सीड अनदर नंबर बाई 36, द सम ऑफ नंबर इज 48, देन द नंबर्स आर, इसको फाइंड करने की वैल्यू को। तो एक संख्या दूसरी से 36 अधिक है, तो मान लीजिए एक संख्या एक्स है तो दूसरी उसमें संख्या होगी वो हो जाएगी इसमें पहली संख्या, तो दूसरी संख्याएं हो जाएगी पहली से ये 36 अधिक होगा। दोनों का जो योग है यानी एक्स प्लस दूसरी संख्या ये हो जाएगा एक्स प्लस 36, तो दूसरी संख्या फाइंड करेंगे इसको हम। ये दूसरी संख्या जो बोला है दोनों का जो सम है एक्स प्लस दूसरी संख्या, इसका जो 48 दिया हुआ है यहाँ पास 48 है, तो हमको यहाँ वो संख्या फाइंड करना है। तो यहाँ देख रहे हैं दूसरी संख्या में ये हमको लिखा है, क्योंकि दूसरी संख्या जो है पहली से 36 अधिक है, तो इसको लिखेंगे हम x प्लस 36 इजकल टू 48, तो एक्स 2x हो जाएगा, 2x प्लस 36 इजकल टू 48, तो 2x इजकल टू 48 माइनस 36 घटाएंगे तो 12 आएगा 2x, तो x इजकल टू हो जाएगा 12/2 यानी 6। तो यहाँ जो संख्या की पहली संख्या यहाँ सब जिसको ये 6 है, तो दूसरी संख्या होगी वो हो जाएगी एक्स प्लस 36 यानी हो जाएगा 6 प्लस 36 इजकल टू हो जाएगा यहाँ 42। यहाँ जो ऑप्शन दिया होगा आपका ये इसका सी नंबर होगा। हम ऑप्शन से भी सवालों को लगा सकते हैं, क्योंकि जैसे दिया हुआ है कि एक संख्या दूसरी से 36 अधिक है, यानी दूसरी पहली संख्या इसको ये 6 मानेंगे तो दूसरी क्या होगी इससे 36 अधिक, यानी 36 जोड़ेंगे तो 42 ही आएगा, है ना, और दोनों का योग क्या हो जाएगा इसमें 48 हो जाएगा। तो इसमें हम ऑप्शन से भी सवालों को लगा सकते हैं। 20 नंबर है, किस समय घड़ी के दोनों सुई के बीच का कोण जो है पूरे रिज कोण के बराबर होता है। रिज कोण जो होता है पूरे 180 डिग्री का एंगल होता है, यानी यदि ये घड़ी है ये 12/6 होता है, घड़ी यदि इस पोजिशन में है ये तो पूरा ये 180 का एंगल बनता है, यानी इसको रिज कोण बोलते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा यहाँ पास वो होगा 6, यानी 6 बजे जो दोनों के बीच रिज कोण बनेगा, यानी इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, वह सबसे छोटी संख्या जो 6, 12, 18 से भाज्य होती है। तो इसका हम एलसीएम लघुत्तम निकाल लेंगे। ये ऑप्शन से भी सवाल लगा सकते हैं कि ऑप्शन में यदि सभी नंबर को डिवाइड करें, यदि पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो वो नंबर अपना ऑप्शन होगा। यदि 6 को अभी 36 में डिवाइड करते हैं तो 6 6 36 ये भी कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। 12 से करेंगे तो 12 3 36 ये हो जाएगा, 18 से कर 18 2 36 ये भी कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। यदि 180 में करें तो 6 3 18 ये भी हो जाएगा, 12 1 और 12 5 ये भी हो जाएगा, 18 ये भी हो जाएगा। तो यदि इसमें करें तो 6 2 12 भी हो जाएगा, 12 ये भी हो जाएगा, 18 18 से ये नहीं होगा, 6 को करें तो 6 हो जाएगा लेकिन 18 से नहीं होगा, तो अपना जो ऑप्शन होगा इसमें बी नंबर होगा, क्योंकि इसमें सबसे छोटी संख्या पूछा है, तो क्योंकि दोनों डिवाइड हुए तो जो इसमें छोटी संख्या वो 180 होगा, तो बी नंबर इसमें ऑप्शन सही रहेगा। अगला नंबर 22 नंबर, निम्न कोण में से कौन सा एक समद्विबाहु त्रिभुज के कोण को समद्विबाहु कोण त्रिकोण को दर्शाता है। तो यहाँ जो ऑप्शन है इसमें 90 और 45, तो ये जो एंगल है ये समद्विबाहु को दर्शाएगा, इसको बना सकते हैं यहाँ पास ऐसे दिया हुआ है, ये एक ट्रायंगल ले लें यहाँ पास, ये 90 है,
ये जो एंगल होगी ये 45 का होगा, ये भी 45 का, तो ये दोनों बजाय बराबर होगी तभी इस पर आपका जो एंगल बनेगा इसमें, तो इसमें से ऑप्शन इसका होगा, ये हो जाएगा ए नंबर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 23 नंबर है, एक आयताकार की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर ज़्यादा है, अगर उसकी परिधि 50 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना है। द लेंथ ऑफ आ रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर मोर देन इट्स विड्थ, इफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 50 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द एरिया। इसको देखेंगे हम यहाँ, तो यहाँ दिया हुआ है कि उसकी चौड़ाई लंबाई चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर ज़्यादा होती है, यदि इस चौड़ाई को यदि हम विड्थ इसका जो है, यदि एक्स मीटर है तो इसकी जो लंबाई होगी यानी जो एन लेंथ होगी वो इससे 5 मीटर ज़्यादा यानी एक्स प्लस 5 है, और इसकी जो परिधि है वो दिया हुआ है, पेरीमीटर जो दिया हुआ है इसका वो दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसको जो पेरीमीटर का जो फार्मूला है अपने यानी कि 2 इंटू लेंथ, तो लेंथ ये एक्स प्लस 5 है प्लस विड्थ ये है एक्स है, ये 50 है, तो चाहे तो 2 को डिवाइड करते 25 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 2x प्लस 5 यानी 50/2 ये हो जाएगा 25, तो 2x प्लस 5 की ट्रांसफर करेंगे राइट में हो जाएगा 2x = 25 - 5, तो 2x = हो जाएगा 20x = 20/2 हो जाएगा 10x = 10। तो हमको इसमें फाइंड करना है इसका क्षेत्रफल फाइंड करना, तो इसमें हमको इसमें जो मिल गया इसका जो विड्थ है यानी जो इसकी चौड़ाई है ये इसमें दिया हुआ है x यानी 10 मीटर है, जो इसकी लेंथ है यानी लंबाई है ये दिया हुआ है इसमें, क्योंकि इससे 5 अधिक है तो ये 10 + 5 यानी हो जाएगा 15, तो जो इसका एरिया होगा रेक्टेंगल का वो यहाँ हो जाएगा 10 × 15 इन हो जाएगा 150 मीटर स्क्वायर, इसमें जिसका ऑप्शन होगा इसमें से, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया हुआ तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया यानी ए नंबर इसका ऑप्शन होगा यहाँ पास। नेक्स्ट नंबर इसका 24 नंबर, 12 लोग एक काम को 15 दिन पूरा करते हैं तो उसी काम को 20 लोग कितने दिन पूरा करेंगे, तो यहाँ देख रहे हैं 12 लोग काम को 15 दिन में करते हैं तो जब अधिक लोग आएंगे तो काम जल्दी पूरा होगा, तो इसको देखेंगे यहाँ दिया हुआ है, Complete work ये हो जाएगी इसमें 15 डेज में, और तो एक एक उसमें एक आदमी इसको कंप्लीट करेगा 15 × 12, तो हमको यहाँ देखना है तो 20 में इसको कंप्लीट करेंगे यानी 20 आदमी करेंगे उसको 15 × 12 = 20, तो 4 × 3 = 4, 5 × 5 = 3, 3 × 9, तो यहाँ जो अपना आंसर जो कि 9 डेज में कंप्लीट करेगा तो इसमें हो गया यहाँ पास बी नंबर होगा इसमें। नेक्स्ट नंबर है इसका 25 नंबर है, 2 अभाज्य संख्या का लघुत्तम संवर्तक कितना होता है, यहाँ जैसे देख रहे हैं 2 जो अभाज्य संख्या सपोज 3 और 5 हो गई, 3 और 5 हो गया या 7 और 11 हो गया, तो इनका जो लघुत्तम हो गया क्या प्रोडक्ट होता है गुणा होता है, इसमें ऑप्शन होगा इसका बी नंबर होगा इसमें। नेक्स्ट नंबर इसमें 26 नंबर इसमें है, एक स्कूल के 1000 छात्रों में से 330 बस से आते हैं, 400 पैदल आते हैं और बाकी छात्रों को उनके माता पिता छोड़ते हैं, स्कूल के कितने प्रतिशत छात्र बस से नहीं आते हैं, तो यह देख रहे हैं हम 330 बस से आते हैं 400 पैदल आते हैं, तो हम इसमें से यदि 1000 में से यदि 330 को माइनस कर दें और बटे में यदि 1000 को डिवाइड कर दें तो हम इसको हमको परसेंट मिलेगा, तो इसको हम देखते हैं यहाँ देखते हैं
टोटल स्टूडेंट्स ये है 1000 और थ्री थर्टी कम फ्रॉम बस। तो यहाँ देखेंगे हमको देखना है कि जो है कितने जो बच्चे हैं परसेंट बच्चे मैं बस से नहीं आते हैं लिखेंगे स्टूडेंट्स डोंट कम फ्रॉम बस। तो यहाँ लिखेंगे 1000 माइनस 330 को माइनस करेंगे तो इसमें जो आएगा 670। इतने बच्चे बस से नहीं आते तो उनको परसेंट फाइंड करना है तो परसेंट ये निकालेंगे यहाँ पर इसको ये हो जाएगा 670 अपॉन 1000 इंटू 100। ये 20 कैंसिल, ये कैंसिल हुआ, ये 1, ये बचेगा यहाँ 67%। तो 67% जो बच्चे हैं इसमें वो बस से नहीं आते हैं तो ये हो जाएगा इसमें ए नंबर होगा इसका 27 नंबर है। एक ट्रेन स्टेशन आज से स्टेशन बाद तक की 616 किलोमीटर की दूरी को 112 किलोमीटर प्रति घंटा की समान गति से पूरा करती है। वह स्टेशन पर एक घंटा रुकती है और फिर वापस आती है। इस पूरी यात्रा करने में उसे कितना समय लगता है स्टेशन आज से स्टेशन बाद तक और फिर वापस। तो इसमें हमको ये देखना है कि एक जो ट्रेन है वो उनका जो डिस्टेंस है जो दूरी कवर करती है 616 किलोमीटर दूरी कवर करती है जाने में, वापस आने में भी इतनी दूरी कवर करती है, जिसकी स्पीड है 112 किलोमीटर प्रति घंटा और वो एक घंटा रुकती भी है। तो हमको इसमें वो कितना समय लेती है जाने में आने में उनको देखना है। तो यहाँ देखते हैं इसमें हम जो इसका जो डिस्टेंस है जो पहला डिस्टेंस में दिया हुआ है वो दिया हुआ है 616 किलोमीटर और जिसकी स्पीड दी हुई है ये दिया हुआ है इसमें 112 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। स्टॉपेज ये जो है 1 आवर रुकती है। तो हम इसके द्वारा इसका हम टाइम निकाल लेंगे तो यहाँ टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है 616 अपॉन ये इसको जो सॉल्व करें तो 2 से डिवाइड करें तो 23 जा और 28 जा 25 जा 26 जा फिर 21 जा और 25 जा और ये हो जाएगी यहाँ पास ये 24 जा फिर 22 जा और ये हो जाएगी यहाँ पास 28 जा फिर कहते हैं 27 जा और 27 जा और यहाँ पास हो जाएगा 21 जा और ये 24 जा फिर 7 और 1 जा और 72 जा। तो यहाँ डिवाइड करेंगे 11/2 तो ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ 5.5 आवर जो लगेगा उसको आज से बाद तक जाने में लगेगा और वो जो 1 आवर रुकता है रुकती है तो क्योंकि 5.5 आवर उसको जाने में लगा तो वापसी में उसको इतने समय लगेगा तो 5.5 × 2 हो जाएगी यहाँ 11 किलोमीटर यहाँ हो जाएगा और 11+1 यहाँ हो जाएगा 12 किलोमीटर। तो इसको जो टोटल टाइम लगेगा वहाँ पास 12 आवर्स लगेगा। 28 नंबर एक टेबल को 16% के नुकसान पर 3360 रुपये बेचा गया उसका लागत मूल्य ज्ञात करो। इसको देखेंगे हम तो यहाँ देखते हैं जो इसका सेलिंग प्राइस है वो दिया हुआ है यहाँ पास 3360 रुपीज़ और जो इसका लॉस है लॉस परसेंट दिया हुआ 16% दिया हुआ है
हमको इसमें इसका फाइंड करना है, इसका कॉस्ट प्राइसेस का लागत मूल्य याद करना है। तो कॉस्ट प्राइस का जो फार्मूला होता है, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस। ये तो सेलिंग प्राइस यहाँ 3360 है इंटू 100, और ये लॉस है इसका 16%, तो 100 माइनस 16। तो जब इसको माइनस करें तो हो जाएगी यहाँ पास 84 आएगा। तो 3360 इंटू 100 अपॉन 84। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको 4 से डिवाइड करें तो 4 2 जा 4 1 जा और 4 2 जा 4 5 जा। अब इसको डिवाइड करें 3 से करें इसको, तो 3 7 जा हो जाएगा, और 3 7 जा 3 1 जा 3 1 जा 3 2 जा ये हो जाएगा। इसके बाद यदि इसको 7 से करें तो 7 1 जा और 7 6 जा, और ये हो जाएगा 160 × 25। तो इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 160 × 25, तो 25 छक्का हो जाएगा 150 का सुन, और ये 15 और 15 1 जा 15 और 15 हो जाएगी 30, यानी हो जाएगा 3000, यानी 3000 रुपीज़ का जो है कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, जिसमें ऑप्शन इसमें है 3000 इसमें जो है। यहाँ जो हो जाएगा 25 और जो 15 होगा ये हो जाएगा 40, यानी हो जाएगा 4000 यहाँ हो जाएगा, 4000 रुपीज़ यहाँ हो जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन है यहाँ पास ये ए नंबर रहेगा। नेक्स्ट नंबर 29 नंबर है, एक स्कूल में 17 कमरे हैं, हर कमरे में 2 पंखे और 4 LED बल्ब हैं, पूरे स्कूल के लिए कितने स्विच की ज़रूरत होगी अगर हर पंखे के लिए 1 और 2 LED बल्ब के लिए 1 स्विच चाहिए। तो इसको देखेंगे, यहाँ दिया हुआ है 17 रूम्स हैं और 1 रूम में यानी 1 रूम में जिसमें दिया हुआ है ये है 2 फैंस हैं और 4 LED बल्ब है, 4 LED बल्ब है, और इसमें दिया हुआ है कि हर पंखे के लिए 1 और 2 LED बल्ब के लिए 1 स्विच चाहिए। तो यहाँ देखेंगे, यदि एक कमरे की बात करें तो यहाँ इसमें 2 स्विच लगेगा, और जो इसमें 4 LED बल्ब के लिए, क्योंकि 2 के लिए 1 चाहिए तो 2 4 के लिए 2 रहेगा यहाँ पास, तो 2 स्विच। तो एक कमरे में जो कुल स्विच रहेंगे 4 रहेंगे, तो 17 कमरे की बात हो रही है, तो 17 × 4 करेंगे तो हो जाएगा 68, यानी पूरे कमरों में 68 स्विच की आवश्यकता उसमें होगी। 30 नंबर है, 2 संख्याओं का गुणनफल 12.194 है, उनमें से एक अगर 4.69 तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो इसको क्या करें, इसमें इसको डिवाइड कर देंगे इसमें इस नंगी संख्या को, तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ देखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे सेकेंड नंबर, ये हो जाएगा 12.194 अपॉन 4.69। इसको डेसिमल हटाने के लिए डेसिमल बाद ये जो है 3 डिजिट, तो हम बटे में 1 के बाद 3 जीरो लगा देंगे, तो इसका डिजिट डेसिमल हटेगा, और इसमें भी है डेसिमल बाद 2 डिजिट है, तो ऊपर यहाँ या फिर नीचे इसको हम यदि 100 करेंगे तो उसका डेसिमल हट जाएगा, तो लिख सकते हैं इसको हम 12.194 अपॉन ये 3 1 के बाद 3 जीरो, और इसमें भी 4.69 अपॉन यदि हम 2 जीरो का, तो इसका डेसिमल ही हटेगा, तो ये 2 जीरो तो यहाँ से इसका ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 12.194 अपॉन 4.69 × 10। अब इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको 3 से डिवाइड करें
तो थ्री से डिवाइड नहीं होगी संख्या ये, तो इसमें क्या करें, इसको हम दो से डिवाइड कर सकते हैं, टू सिक्स जा हो जाएगा और जीरो टू नाइन जा और हो जाएगा ये टू सेवन जा हो जाएगी। और इसके बाद हम इसको यदि डिवाइड करते हैं इसमें टू फाइव जी हो जाएगा। अब इसमें भाग करेंगे सिक्स जीरो नाइन सेवन फोर सिक्स नाइन से, तो फोर सिक्स नाइन वन टाइम जाएगा तो फोर सिक्स नाइन 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 जीरो ये फोर और ये वैल्यू हो जाएगी वन सेवन। और इसमें करेंगे थ्री टाइम करेंगे यानी इसमें थ्री की मल्टीप्लीकेशन करें तो हो जाएगा वन फोर जीरो सेवन यानी थर्टीन आएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं इसको हम थर्टीन अपॉन फाइव डिवाइड करेंगे तो फाइव टू जा और हो जाएगा फाइव या सिक्स जा यानी टू पॉइंट सिक्स इसका आंसर आएगी। यहाँ लिख सकते हैं इसको हम बी नंबर, इसका ऑप्शन सही रहेगा। थर्टी वन नंबर इसमें है, राहुल ने एक कुर्सी 600 रुपये में खरीदी और 200 उसकी मरम्मत पर लगाए, उसने उसको 1000 में बेच दिया तो उससे मतलब क्या होगा, नो प्रॉफिट और नो लॉस या 25% लॉस या 25% लाभ, या इससे कैलकुलेशन नहीं किया जा सकता, इसको हमको फाइंड करना है। इसमें हो जाएगा 31 में सबसे पहले देखते हैं यहाँ कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर, ये है 600 दिया हुआ है, इसमें जो एक्स्ट्रा चार्ज है ये दिया हुआ है इसमें 200 दिया हुआ है, तो एक्चुअल जो कॉस्ट प्राइस होगा वो इसमें प्लस करेंगे तो 6 और 2 हो जाएगी ये 10 यानी 800, ये इसकी एक्चुअल कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। और इसका जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है इसमें वो दिया हुआ है 1000, तो यहाँ देख रहे हैं जो सेलिंग प्राइस है कॉस्ट प्राइस से अधिक है, यहाँ जो होगा इसको प्रॉफिट होगा, यानी सकते हैं प्रॉफिट प्रॉफिट इज इक्वल टू 1000 माइनस 800 यानी 200 का, तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे यहाँ हम, तो प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा प्रॉफिट अपॉन को एक्चुअल कॉस्ट प्राइस जो रहेगा, तो यहाँ हो जाएगा प्रॉफिट 200 अपॉन जो कॉस्ट प्राइस इसमें है 800 इंटू 100 ये 20 कैंसिल 24 है यानी 100 अपॉन 4 25%, ये जो हो जाएगा इसको प्रॉफिट होगा। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पास हम 25% इसको ये लाभ होगा। 32 नंबर है, पिछले 30 दिनों में तापमान 15 डिग्री गिरता है, यदि तापमान की गिरावट इसी गति से जारी रही तो अगले 10 दिनों में तापमान कितने डिग्री गिरा, तो यहाँ देख रहे हैं अगले 30 दिनों में 15 डिग्री गिरता, तो पहले हम एक दिन का निकालेंगे यहाँ, जैसे यहाँ देख सकते हैं ड्रॉप टेम्परेचर, ये दिया हुआ है 15 डिग्री इन 30 डेज, तो ड्रॉप टेम्परेचर इन 1 डेज यानि जो एक दिन में गिरेगा वो 30 अपॉन 15 यानि 2 डिग्री, एक दिन में 2 डिग्री कम होगा। तो यहाँ बोल रहा है अगले 10 दिन 10 गुणे यहाँ कर देंगे 2 कर देंगे 10 गुणा हो जाएगा 20 यानी 20 डिग्री जो है ये टेम्परेचर अगले 10 दिनों में गिरे, तो यहाँ लिख सकते हैं इसका ऑप्शन है ये सी नंबर होगा। 33 नंबर है, आम से भरी टोकरी में आम जब दो दो करके गिने तो एक एक्स्ट्रा मिला, जब तीन तीन करके गिना तो दो एक्स्ट्रा, जब चार करके गिना तो तीन एक्स्ट्रा, जब पांच पांच करके गिना तो चार एक्स्ट्रा, जब छह छह करके गिना तो पांच एक्स्ट्रा, और जब सात सात करके गिना गया तो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बचा, उस आम की टोकरी में कितने कम से कम सेब कितने आम थे, ये हमको देखना है। तो इसको देखते हैं यहाँ पास, यहाँ बोलना है कि जब उसको
दो दो का गिन आ गया, यानी दो दो का गिना तो उसमें एक शेष बचा, तीन तीन करके गिना गया तो उसमें दो बचा, चार चार करके गिना गया तो उसमें बचा तीन बचा, पाँच पाँच करके गिना गया तो उसमें चार बचा, और छः छः करके गिना गया तो उसमें फाइव बचा, और जब सेवन सेवन करके गिना गया तो उसमें उसका जीरो, यानी उसमें कुछ भी उसमें रिमाइंडर नहीं आया। इसको हमको देखना है, यदि हम ऑप्शंस इसमें देखें, यानी दो दो करके नहीं थी, दो का भाग कर दी, पहला नंबर ऑप्शन 119 दिया हुआ है, तो 119 हम यहाँ लेते हैं, दो का यदि भाग करें तो भाग कितनी टाइम जाएगा, ये जाएगा दो पंचायत दस हुआ और 90, तो दो नाम 18, यहाँ एक बचा, तीसवा ये हमारा ऑप्शन सही हो रहा है। सेकंड देखते थ्री से डिवाइड किया जाए इसको, यानी 119 को थ्री से किया जाए तो थ्री थ्री जाए ये 9 हुआ और टू ना तो 39 जा ये 27 टू रिमेंट, तो ये अपना ऑप्शन भी सही हो रहा है। इससे यदि थ्री से डिवाइड, यदि फोर से डिवाइड किया जाए तो 119 फोर करेंगे तो 42 जा 8 हुआ, घटाएंगे तो 3 और 9 तो ये अपने पास आएगा 49 जा 36, यानी बचेगा 3 यहाँ बचा, ये भी सही हो रहा है। यदि 5 से किया जाए 119 को तो 52 जा हुआ 10 और ये 19, तो 53 जा हो गया 15 और ये बचेगा 4, ये भी सही अपना हो रहा है। यदि 6 से किया जाए इसको तो 119 और 6 तो 61 जा 6 और ये बचेगा अपने पास 59, तो ये हो जाए 9 टाइम जाएगा, 69 जा 54 तो ये हो जाएगा 5, ये भी सही हो रहा है। यदि 7 से किया जाए इसको, 119 सेवन किया जाए तो 71 जा 7 और 4 ने तो 77 जा 49, यहाँ 0 यानी 0 आया, तो जो अपना ऑप्शन होगा उसमें वो ए नंबर होगा। इससे हमको सवाल लगाना, बाकी में ऑप्शन ये नहीं आएगा इसमें। फिर 44 नंबर है या 34 नंबर इसमें है, कौन सी दो अंकों की संख्या जब 27 से जोड़ी जाती है तो उसके अंकों की जगह उल्टी हो जाती है, यानी बदल जाती है, उसका डिजिट चेंज हो जाता है, संख्या ज्ञात करते हैं। इसको हम ऑप्शन सवाल को लगाएंगे, पहला 27 दिया हुआ है, तो इसमें बोल रहा है कि यदि ए नंबर यदि 27 इसको यदि 27 से जोड़ा जाए, यदि 27 में जोड़ें तो ये हो जाएगा 54, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है क्योंकि 27 जोड़ में उसका डिजिट चेंज नहीं हो रहा, डिफरेंट नंबर आ रहा है। यदि सेकंड ऑप्शन है 24 यदि जोड़े इसमें हम, तो ये हो जाएगा 7 4 11, ये भी चेंज नहीं हो रहा है। सी नंबर देखें तो 27 ये हो गया 47, तो 7 × 14 = 7, ये जो कहें इसमें चेंजिंग है इसमें हो रही है, यानी 27 जोड़ने में ये 74 आ रहा है, तो मतलब अपना ऑप्शन क्या होगा, ये सी नंबर होगा। नेक्स्ट नंबर 35 है, राधा की आय व्यय का अनुपात 7:5 है, अगर वह महीने में 2000 बचा दे तो उसकी सालाना आय कितनी है, तो यहाँ दिया हुआ इसका इनकम टू एक्सपेंडिचर, ये दिया हुआ 7:5, इसको लिख सकते हैं हम वैल्यू को 7x/5x, और इसका जो बचाती है पैसे वो 2000 बचाती है, तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पास 7x-5x = 2000, तो इस माइनस करेंगे तो बैलेंस कितना आएगा यहाँ पास, ये 2x आएगा, ये 2000, तो x = आएगा 2000/2 यानी 1000, तो इसका जो आय यहाँ है वो ये जैसे यहाँ 7x हो जाएगा 7×1000 यानी 7000, और उसके जो उसने व्यय कितना किया इसने 5x यानी 5×1000 ये होगा 5000, जब माइनस करेंगे 7 + 5 जब माइनस करेंगे तो 2000 आएगा। तो हमको बताना है, ये तो इसका मंथली आय है, हमको इसका वार्षिक आय, तो वार्षिक यानी 12 महीने के बताना है,
तो 7,000 × 12 तो 1200 हो जाएगा 84,000। तो इसका जो वार्षिक आय इसमें हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ डी नंबर 84,000। नेक्स्ट नंबर 36 है, एक आयताकार आकार के लॉन की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:5 है, उसमें बाड़ लगाने में 3200 रुपये का खर्च आता है, 2 रुपये मीटर की दर से उस लॉन को विकसित करने में 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कितना खर्च आएगा, इसको देखेंगे हम। तो यहाँ दिया हुआ है रेशियो ऑफ लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर लॉन, ये दिया हुआ है 3:5 दिया हुआ है, यानी इसको हम 3x5 से ले सकते हैं इसकी लंबाई चौड़ाई को। और इसमें जो बोला 3200 रुपये खर्च आता 2 रुपये प्रति मीटर की दर से, तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पास 2। इसमें से हम इसका जो क्षेत्रफल निकालने के लिए 3200 में 2 का भाग करेंगे तो इसको हम कुछ क्षेत्रफल निकाल आएगा उसमें का, तो यहाँ हो जाएगा एरिया ऑफ रिक्टेंगुलर लॉन, ये हो जाएगा 3200/2 हो जाएगा 1600 वर्ग मीटर यानी मीटर स्क्वायर। और ये इसका एरिया दिया हुआ, लेंथ और विड्थ दिया हुआ है, तो जो एरिया रेक्टेंगल होता है वो लेंथ और जो विड्थ उसका मल्टी प्रोडक्ट होता है, तो ये लिखेंगे 3x × 5 इज इक्वल टू, ये 16x हो गया। तो इसमें ये करेंगे इसको यहाँ जैसे दिया हुआ इसका कि ये जो इसमें है कि बाड़ लगाने में 3200 रुपये खर्च है, तो ये जो बाड़ है इसकी परिधि है, तो जब इसका 2 का डिवाइड करेंगे तो उसकी परिधि निकलेगा ना कि इसका एरिया निकलेगा। तो इसका देखेंगे हम, तो इसमें हो जाएगा इसका ये पेरीमीटर हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा, तो ये जो पेरीमीटर जो फार्मूला अप्लाई करेंगे वहाँ ये हो जाएगा 2 × 3x+5x इज इक्वल टू हो जाएगा ये 1600, 2 से डिवाइड करते हो जाएगा 3x 5 × 8 हो जाएगा, तो 8x इज इक्वल टू हो जाएगा 16/2 यानी 800। तो x इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 800/8 इज इक्वल टू हो जाएगा 100 मीटर, यानी इसकी जो लेंथ आ जाएगी यहाँ वो आ जाएगी 3x, तो 3 × हो जाएगा 100 यानी हो जाएगा 300 मीटर। और जो इसका विड्थ जो चौड़ाई आएगी इसकी वो आएगा 5 × 5 हो जाएगा 500 मीटर। तो जिसका एरिया आएगा वो एरिया इसमें आएगा 500 × 100, यहाँ देख सकते हैं एरिया ऑफ आ रेक्टेंगुलर लॉन, ये हो जाएगा 500 × 300 हो जाएगा 1,50,000 हो जाएगा इसका मीटर्स का इसका एरिया आ जाएगा। तो हमको इसमें फाइंड करना है कि उस लॉन को विकसित करने में 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कितना खर्चा आएगा, इसमें 10 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा 1,50,000 कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग द लॉन एट द रेट ऑफ 10 रुपये पर स्क्वायर मीटर, तो ये हो जाएगा यहाँ पास 10 कर देंगे तो ये हो जाएगा 1,50,000
15 लाख रुपीस में आ जाएगी इसका। इसमें जो देख रहे हैं बी नंबर इसका ऑप्शन इसमें सही रहेगा। नेक्स्ट नंबर है ए बी और सी एक रकम को आपस में 4:7:9 में बांटते हैं। अगर बी का हिस्सा 2989 है तो पूरी रकम ज्ञात करो। तो यहाँ देख सकते हैं इसको जो बी का हिस्सा यहाँ होगा 4:7:9 है। तो जो बी का हिस्सा है, बी का जो पार्ट है वो 7 है, तो 7 में तीनों का जो सम है ये हो जाएगा 9, 7 हो जाएगा 16, 16 हो जाएगा 20। और इसमें जो इसका हिस्सा ज्ञात करने के लिए क्या इसको उल्टा करेंगे, 20/7 इंटू करेंगे इसको हम जो दिया हुआ 2989। तो इसमें करें तो ये हो जाएगा इसमें 7, 7 4 जा और 7 2 जा 7 9 जा, तो 4 2 9 इंटू 20 तो हो जाएगा 2 9 जा 18 और 2 2 जा 4 1 5 और 2 4 जो हो जाएगा 8। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जैसे जो उसका जो रेशियो 4:7:9 हो तो इसको लिख सकते हैं 4x 7x और ये 9x। तो इसमें बी का हिस्सा दिया हुआ है 7 = 2 9 8 9 डिवाइड कर देंगे 7 से, तो 2 9 8 9/7 ये हो जाएगा 7 6 28 7 9 7 7 49। तो ए का जो यहाँ हिस्सा आ जाएगा 4x = ये आ जाएगा 4×427। तो ये हो जाएगा 428 ए 2 4 2 8 2 10 4 4 16 1708 यहाँ हो जाएगा। और जो बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा दिया हुआ है अपने पास वो 2989। तो इसमें करेंगे तो ये हो जाएगी वैल्यू 2989, इसमें दिया हुआ है इसका वैल्यू ये। और जो तीसरा है 9x है, तो 9×x 427 ये जोड़ेंगे गुणा करेंगे तो 9 7 = 63, 9 2 = 18 और 6 हो जाएगा 24 2 और 9 4 = 36 2 38। तीनों को प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 2989 और 1708। तो ये हो जाएगा यहाँ पास 7 9 16 4। इसमें फिर प्लस करेंगे इसको तो 3 8 4 3 तो 7 3 0 1 4 1 15 1 8 5 4 0 इसका जो ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पास बी नंबर इसका ऑप्शन सही रहेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कक्षा के 40 छात्रों की औसत आयु 18 वर्ष है। जब एक अध्यापक को सम्मिलित किया जाता है तो उसकी जो औसत आयु 19 वर्ष हो जाती है। अध्यापक की आयु ज्ञात करें, इसको ज्ञात करेंगे हम फाइंड करेंगे। तो इसके लिए देखते हैं हम यहाँ एवरेज एज ऑफ 40 स्टूडेंट्स ये दिया हुआ है 18 ईयर्स। तो टोटल एजेस की हो जाएगी या सम ऑफ देयर इज ये हो जाएगा 40×18 ये
यानी 720। फिर इसमें टीचर्स को भी शामिल किया जाता है तो उसके जो एवरेज एज है वो 19 हो जाती है, तो यहाँ लिख सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा इंक्लूडिंग टीचर एवरेज जो एज हो जाती है वो 19 हो जाती है, तो 40 पहले थे तो 1 को यदि उसको शामिल करेंगे तो 41 हो जाएगा, तो उसका सम होगा सम ऑफ देयर एज, ये हो जाएगा 41 into 19, तो 19 1 जा 99 और 94 जो हो जाएगा 76 और 1 77 77। तो अब इसको हमको क्या करना है, इसको हमको टीचर्स की एज फाइंड करना है, तो यहाँ लिखेंगे एज ऑफ टीचर, तो ये हो जाएगा 779 minus 720, तो जो वैल्यूज की आएगी वो आएगी यहाँ पास 559 years। तो इसमें जो ऑप्शन होगा इसमें ए नंबर होगा, इसमें 39 नंबर इसमें क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 3026 तथा 5053 को भाग देने पर क्रमशः 11 तथा 13 शेष बचते हैं। तो यदि हम इसको ऑप्शन देखें तो हमारा जो क्वेश्चन काफ़ी ईजी हो जाएगा, यदि हम 15 से डिवाइड करें उसको तो हो जाएगा 15 2 जा 30 और ये हो जाएगा 26, ये पूरा कंप्लीट डिवाइड नहीं करेगा। यदि इसमें देखें तो 15 ये देखते हैं इसको ऑप्शन में है 3026, यदि इसको हम 15 से डिवाइड करें तो 15 2 जा हो जाएगी ये 30, 2 आएगा तो ये 0 और 6, तो 15 1 जा 15 और माइनस करें तो बैलेंस की आएगी 11, तो जो यहाँ बचा 11 बच रहा है, ये सही इसमें ऑप्शन इसमें आ रहा है। और इसमें यदि इसको डिवाइड करें 5053 को, यहाँ देखते हैं 15 3 जा 45 बचेगा और 15 3 जा 45 तो ये 0 ये 1 3 और 15 6 जा 90 तो ये हो जाएगा 3 और 1, तो 13 शेष बच रहा है, ये भी ऑप्शन इसमें सही आ रहा है। यदि सेकंड को ऑप्शन नहीं है 30 को लिए हमारे पास से, यदि 30 को यहाँ तब देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 3026 को यदि 30 से करें तो 31 जाइए 30 हुआ 2 तो 0 6, ये डिवाइड नहीं होगा, 26 में रिमाइंडर आ जाएगा, तीन ऑप्शन इसमें नहीं होगा। यदि 45 को लेंगे तो 45 भी इसमें नहीं आएगा, तो अपना जिसमें आंसर है वो 15 भी हो जाएगा। यदि 45 को चेक करें इसमें, तो इसमें करते हैं 3026 45, तो 30 तो नहीं जाएगा, यदि इसमें यदि डिवाइड करें तो हो जाएगा 45। फाइव से जा 33 27 और 5 7 जा 35, ये नहीं होगा। यदि 6 टाइम करते हैं तो ये हो जाएगा 270 और ये 2 और ये वैल्यू आएगी 3, तो ये कंप्लीट डिवाइड इसमें नहीं होता है, तो अपना जिसमें आंसर होगा वो ए नंबर होगा। इसमें 40 नंबर इसमें, रवि ने 500 रुपए की कुर्सी खरीदी और उसे 550 रुपए में बेचा, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो यहाँ देख रहे हैं इसका जो कॉस्ट प्राइस है 500 रुपए है और जिसका सेलिंग प्राइस है वो 550 रुपए, तो हम देख रहे हैं जिसका सेलिंग प्राइस है कॉस्ट प्राइस अधिक जिसको प्रॉफिट होगा, यहाँ देख सकते हैं इसको हम, यहाँ जिसका कॉस्ट प्राइस है वो दिया हुआ है 500 और जो इसका जो सेलिंग प्राइस है वो दिया हुआ है यहाँ पास 550 रुपीज़ दिया हुआ है, तो इसका जो प्रॉफिट होगा इसमें वो आ जाएगा 550 minus 500 यानी 50 रुपये का इसको फ़ायदा होगा, तो इसमें प्रॉफिट परसेंट निकालना हमको, तो प्रॉफिट परसेंट यहाँ हो जाएगा प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, यानी प्रॉफिट यहाँ हो रहा है इसको 50 और कॉस्ट प्राइस है 500 into 100
ये 20 कैंसिल, यानी 10% का इसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो इसका जो ऑप्शन होगा इसमें वो हो जाएगा यहाँ पास 10%, ए नंबर इसका सही होगा। इसके बाकी क्वेश्चन हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।